कल मेरे डॉक्टर हस्बैंड सबको बस एक ही बात याद दिलाते रहते हैं, अपने पेट को स्ट्रॉन्ग रखो भैया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 70% तक हमारे पाचन से जुड़ी है। हाँ, 70% तक। जंडू पंचारिष्ट डाइजेस्टिव टॉनिक, इसके 35 आयुर्वेदिक तत्व पाचन करे जड़ से मजबूत। जंडू पंचारिष्ट, पाचन स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए मिलिए ज्योतिष आचार्य सपना श्री जी से। कार्यक्रम किस्मत का सच में सोमवार से शनिवार सुबह 5:30 बजे सिर्फ दिव्य पर। ईश्वर ने हमें इस धरा पर क्यों भेजा? आत्मा ने शरीर में क्यों घर बनाया? यह जिंदगी ईश्वर का दिया तोहफा है या फिर कोई माया? सेम परिस्थिति, क्या अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या सेम तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? जानने के लिए देखिए ब्रह्म कुमारी शिवानी जी को कार्यक्रम अमूल्य ज्ञान में सोमवार से शनिवार रात्रि 10 बजे सिर्फ चैनल दिव्य पर। दुख होंगे जीवन से दूर, हनुमान कृपा से छाएगा भक्ति का नूर। आनंद लीजिए संकट मोचन पाठ का हर रोज सुबह 6:20 पर सिर्फ चैनल दिव्य पर। अमृत गंगा, अम्मा के सत्संग, भजन और दर्शन हर रविवार दिव्य पर 8:00 बजे। श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश दिवस के मौके पर दिव्या चैनल और बबली सिंह लेकर आए हैं आधुनिक तरीके से तैयार किया एक नया शो गुरबानी स्टूडियो, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। हर ओर दिव्यता जगमगाए, गंगा आरती से हर जीवन महक जाए। देखना मत भूलिए गंगा आरती रोजाना साय 7:13 पर सिर्फ चैनल दिव्य पर। मधुमेह नाशक कमल ककड़ी। कमल ककड़ी का सेवन मधुमेह के रोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल कम करती है। इसमें प्रचुर मात्रा में कॉपर पाया जाता है, जो हमारे बालों तथा आँखों के लिए अच्छा है। इसका सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत तथा खून बढ़ता है। जानिए आचार्य राहुल जी से अपने भविष्य और कुंडली से जुड़े कुछ अहम राज। कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में सुबह 9:00 बजे सिर्फ दिव्य पर। अधिक मास में क्या दान करें?
अधिक मास में क्या दान करना है मंगलकारी। नमस्कार दर्शकों, अधिक मास में दान करने से मानव को कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही इस माह में कथा श्रवण का अत्यधिक महत्व है। अगर इस अधिक मास में आप मास की तिथियों के अनुसार दान करते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि को क्या दान करें। पुरुषोत्तम मास की प्रतिपदा तिथि को चांदी के पात्र में घी रखकर दान करें। पुरुषोत्तम मास की द्वितीय तिथि को कांसे के पात्र में रखकर हो सके तो स्वर्ण दान करें। तृतीय तिथि के दिन चना या चने की दाल दान करें। चतुर्थी तिथि के दिन खारक का दान करना लाभदायक होता है। पंचमी तिथि के दिन गुड़ एवं तुअर की दाल दान में दें। षष्ठी तिथि के दिन अष्टगंध का दान करें। सप्तमी व अष्टमी तिथि के दिन लाल चंदन का दान करना उचित होता है। नवमी तिथि के दिन केसर का दान करें। दशमी तिथि के दिन कस्तूरी का दान करें। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन गौरोचन या गौलोचन का दान करें। द्वादशी तिथि के दिन शंख का दान करना फलदायी है। त्रयोदशी तिथि के दिन घंटाल या घंटी का दान करें। चतुर्दशी तिथि के दिन मोती या मोती की माला दान में दें। पूर्णिमा व अमावस्या के दिन मणिक व रत्नों का दान करें। दान आप अपनी समर्था अनुसार करें। मिलिए विख्यात ज्योतिषाचार्य सपना श्री जी से कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्रा में सोमवार से शनिवार रात्रि 11 बजे सिर्फ दिव्य पर। जानिए जीवन की सच्चाई और पाइए हर समस्या का हल। अब सद्गुरु करेंगे सबका मार्गदर्शन सोमवार से शनिवार रात्रि 8:40 पर सिर्फ चैनल दिव्य पर। जोश है भारी राह कठिन है पर भक्तों में भक्ति का जोश है भारी। बाधा जो आए और बढ़ाए मन में भावना भारी। बाधा जो आए और बढ़ाए मन में भावना भारी। मैया रे शेरा वाली मैया तू मेहरा वाली चलो मैया।
बाजे जयकारे सब गाएं, झांझ मंजीरे ढोलक बाजे जयकारे सब गाएं। है मन प्यासा एक ही आशा कब हम दर्शन पाएं, है मन प्यासा एक ही आशा कब हम दर्शन पाएं। मैया रे चलो